OB45 पैच अपडेट एडवांस सर्वर पब्लिकली ओपन हो चुका है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग फ्री फायर कोलैबोरेशंस के बारे में, अपकमिंग बिगेस्ट सेटिंग चेंजेस के बारे में, साथ साथ बात करेंगे न्यू मोड्स के बारे में, 7th एनिवर्सरी की पूरी पूरी डिटेल्स वीडियो में रखकर के, और साथ साथ बात करके न्यू व्हीकल चेंजेस के बारे में, A to Z बहुत सारी फ्री फायर OB45 अपडेट्स मैंने इस वीडियो के ऐड करके, तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है वीडियो। OB45 पैच अपडेट में लव बर्ड्स का लव स्टेशन भी अपडेट होने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोशल आइलैंड की। पूरे के पूरे सोशल आइलैंड को गरीना रिफर रीडिजाइन एंड इसके कंसेप्ट को एक्सपेंड कर रही है, जहां पर आपको पूरा पूरा एरिया अलग ही तरीके से नजर आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो जहां पर आप स्पॉन होकर के आते हो वहां पर आपको काफी सारे बेंचेस नजर आएंगे, काफी अच्छा फाउंटेन नजर आएगा। साइड में थोड़ा आगे जाने के बाद आपको हमारा फुटबॉल ग्राउंड हमारे लेफ्ट राइट साइड में नजर आएगा। आगे जाके आपको FFWS या फिर वर्ल्ड चैंपियन की एक ऑनर वॉल नजर आएगी, जहां पर एक म्यूजिक प्ले हो रहा है जो पूरे लॉबी में सुनाई दे रहा है, और ये इसका वॉल्यूम कम करने का कहीं से भी ऑप्शन नहीं है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है बट बाद में जाके इरिटेट करने लग जा रहा है। आगे जाके बात करेंगे तो फेरीज में नजर आएंगे आपको, कुछ वो दुकानें नजर आएंगी, और उसी के साथ ही साथ आपको साइड में बॉक्सिंग जिम और उसके बगल में रेसिंग कोर्ट नजर आने वाला है। लाइट हाउस की भी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया गया, बट लाइट हाउस में जितने निबे निबे जाकर के एकांत में हेलो हाई बोलते हैं एक दूसरे को, वो भी आपको नजर आने वाला है। एंड रेसिंग कोर्ट को भी काफी अच्छा कर दिया गया, मतलब कोई बड़ा चेंज तो नजर नहीं आया, बट ऑफकोर्स वो जो आइकन है वहां पर अगर आप ज्यादा देर तक वेट करते हो तो डायरेक्टली आपको लैप एरिया में भेज दिया जाता है, जहां से अपना लैप स्टार्ट कर सकते हो, अपनी रेस स्टार्ट कर सकते हो। वो भी काफी अच्छा लगा मुझे वो चीज। एंड अगर हम बात करेंगे ओवरऑल डिजाइन सही है, आप लोग बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे, आप लोग बताओ आपको नया डिजाइन कैसा लग रहा है, पुराने वाले को मिस करोगे नहीं करोगे। अभी मुझे वो चीज नजर नहीं आई, वो जो हमारा म्यूजिक वाली टाइल थी ना जिसके ऊपर आप पांव रखते थे और म्यूजिक बजता था, वो मुझे नजर नहीं आई है। एंड कुछ और चीज जैसे अगर हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर हम लोग चलते थे ना वो विंड मिल के ऊपर, तो वो भी नजर नहीं आया। तो कुछ चीजें हैं जो मिस करूंगा मैं, ऑफकोर्स आप लोग बताना आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। पर अब जंप करते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। अपकमिंग OB45 पैच अपडेट में गरीना फ्री फायर व्हीकल्स के अंदर बहुत बड़ा अपडेट देने वाली है, जहां पे सभी व्हीकल्स के अंदर आपको ऑटो पायलट का फीचर नजर आएगा। जो लोग समझ नहीं पा रहे ऑटो पायलट किस तरीके से काम करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से आपको पता होगा कि आपके व्हीकल के अंदर चार डायरेक्शन होती है, एक रिवर्स, एक एक्सीलेटर, एक लेफ्ट और एक राइट, तो जब आप ऑटो पायलट में अपने व्हीकल को डाल दोगे तो आपको जो व्हीकल है वो स्ट्रेट ऑटोमेटिकली जाएगा। मतलब जिस तरीके से आप रन का बटन दबाते हो और स्प्रिंट कर दो सीधा सीधा, उसी तरीके से ऑटो पायलट होने वाला है। जस्ट आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी इसके बाद, एंड जैसे आप रिवर्स का या फिर अपनी गाड़ी से उतर जाओगे ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, या फिर अगर आप ऑटो पायलट के बटन को रीप्रेस करते हो या दोबारा प्रेस करते हो तो ऑटो पायलट अपने आप बंद हो जाएगा। इस फीचर से बहुत सारे प्लेयर्स को राहत मिलेगी क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक एक्सीलेटर के बटन को प्रेस करने से कभी कभी अंगूठा या फिर थंब भी दर्द करने लग जाता है। इसी के साथ ही साथ जो हमारे गेम के अंदर नया मोड आया है कॉस्मिक रेसर, जिसमें नया व्हीकल भी गरीना फ्री फायर ने ऐड करा है, उसके अंदर तो ये पक्का दो ही दो, उसके अंदर मुझे ऑटो पायलट का फीचर नहीं मिला। वहां पे गरीना फ्री फायर को ऐड करना चाहिए क्योंकि कभी कभी प्लेयर्स गेम छोड़ के चले जाते या फिर आपकी पार्टी में सेकंड प्लेयर नहीं आया होता है, तो कभी कभी आपको खुद ही व्हीकल को चलाना पड़ता है, साथ साथ शूट भी करना पड़ता है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और आपका गेम खराब हो जाता है। तो अपना गेम क्यों खराब करना, वहां पे भी गरीना फ्री फायर को ऑटो पायलट के फीचर को ऐड करना चाहिए जो अभी तक एडवांस सर्वर में नजर नहीं आ रहा है। पर मैं अगर बात करूं कॉस्मिक रेसर के बारे में, भाई काफी इंटरेस्टिंग मोड है, नया व्हीकल गरीना फ्री फायर ने ऐड करा, और अगर हम लोग बात करेंगे ये व्हीकल फ्लाई करता है, इसीलिए कई सारे सप्लाई आइकन्स को आसमान पे भी गरीना फ्री फायर ने रख रखा है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा भाई, यहां पे इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है एंड एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। व्हीकल की जो मैकेनिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, आप लोगों ने जब ट्राई करेंगे आने वाले टाइम पे हमारे गेम में जब आएगा OB45 पैच अपडेट के, तब आप खुद बोलोगे भाई ये मोड बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय करा इस मोड को, बट दिक्कत यही थी कि कभी कभी प्लेयर्स नहीं मिल रहे थे। वहां पे अगर ऑटो पायलट का फीचर होता तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि शूटिंग भी खुद ही करनी और व्हीकल को भी चलाना खुद ही, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती इस मोड के अंदर। एक ड्राइवर चाहिए चाहिए डेडिकेटेड, अगर नहीं है तो वहां पे ऑटो पायलट का फीचर दो। गरीना फ्री फायर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि OB45 पैच अपडेट में आपको FFP मोड नजर आएगा CS के अंदर। FFP के अंदर मुझे काफी अच्छा नजर आया, थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, अगर गरीना फ्री फायर थोड़ा और काम करे तो और बेटर हो सकता है, बट अभी तक जो मुझे एडवांस सर्वर में नजर आ रहा है काफी इंटरेस्टिंग है। इवन दो गरीना फ्री फायर ने इस चीज को भी ऐड कर रखा है कि आप कुछ वेपन्स को FFP मोड के अंदर हाथ के अंदर मूव करके देख सकते हो, एक बटन है जिसको आप प्रेस करोगे तो आपके जो वेपन्स वो आपके हाथ में मूव होंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, काफी अच्छा काम किया इस चीज को लेकर के। और साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना गरीना फ्री फायर ने सेटिंग्स के अंदर एक आउटलाइन वाला नया फीचर ऐड करा है, भाई ये डेंजरस है, मुझे बहुत बार जंप स्केयर दे दिए इसने, क्योंकि भाई कभी कभी आप जब ग्लू वॉल लगा रहे हो और आपका एनिमी आपके ग्लू वॉल के बहुत ज्यादा करीब आ जा रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि ग्लू वॉल के आर पार आ चुका है, और गरीना फ्री फायर के FFP मोड के अंदर बहुत डेंजरस लग रहा है। मैं बहुत बार जंप स्केयर खा लिए कि भाई एनिमी सामने अगर मैं अपनी ग्लू वॉल पे फायर करने लग गया, क्योंकि भाई लग ऐसा रहा है कि एनिमी ग्लू वॉल के आर पार आ रहा है। तो भाई ये आउटलाइन वाला फीचर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, अगर रख रहे हो तो भाई FFP मोड के अंदर संभल के खेलना, क्योंकि आपको बहुत बार जंप
स्केयर और एक फॉल्स होप दे देगा कि भाई यहाँ पे एनिमी आपके सामने और आप अपनी ग्लू वॉल तोड़ने लग जाओगे या फिर उसकी ग्लू वॉल तोड़ने लग जाओगे। अब आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर कमेंट करके जरूर सर बताइए। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा करा था कि 7th एनिवर्सरी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हमारी इस वीडियो के अंदर, तो चलिए बात करते हैं OB45 7th एनिवर्सरी के बारे में। 7th एनिवर्सरी के अंदर आपको एक वेब इवेंट जरूर से नजर आने वाला और साथ साथ इन गेम डेकोरेशंस आपको नजर आएंगी, पर वो जो ट्री वाली डेकोरेशन है वो शायद आपको गेम के अंदर नजर नहीं आ सकती है। पर इसके अलावा गरीना फ्रीफायर ने काफी सारे सरप्राइजिंग गिफ्ट बॉक्सेस आपके लिए पूरे मैप में रख रखे हैं। ये सेम गिफ्ट बॉक्सेस आपको सीएस के अंदर भी नजर आएंगे और बीआर के अंदर भी नजर आएंगे। जहां पर जब इनको फोड़ोगे तो उसके अंदर आपको सप्लाई लूट्स मिलेंगी, जहां पर कभी आपको वेपन मिल सकता है, कभी आपको नेट मिल सकता है, कभी आपको कोई और अटैचमेंट मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे मैप के अंदर आपको अक्रॉस द मैप और एक मैप के अंदर, जैसे जर्नली क्या होता है कि कभी कभी जो इवेंट्स आते हैं वो ओनली हमारे बरमूडा मैप के अंदर आते हैं, उनकी डेकोरेशन भी बरमूडा मैप के अंदर आती है, अदर किसी दूसरे मैप के अंदर इसको इफेक्ट नहीं लेकर आया जाता या फिर इफेक्टिवली नहीं लेकर आया जाता, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 7th एनिवर्सरी के जो पोर्टल्स हैं जो आपको 7th एनिवर्सरी के नेस्टोलोजिया आइलैंड से कनेक्ट करेंगे, हर दूसरे मैप पे आपको नजर आएंगे, चाहे वो परगेट्री हो, चाहे नेक्स्ट्रा हो, चाहे बरमूडा हो या फिर कोई दूसरा अल्पाइन जैसा मैप हो या फिर कालारी हो, आपको हर एक मैप के अंदर ये नजर आने वाले पोर्टल्स होने वाले हैं। ये आपको कनेक्ट करेंगे नेस्टोलोजिया आइलैंड की तरफ, जहां पर सबसे पहला अट्रैक्शन होगा आपका ओल्ड पीक। अब देखो गरीना फ्री फायर ने ओल्ड पीक को कहीं ना कहीं बोला तो है इसके अंदर, पर गेम के अंदर कोई भी हमें ओल्ड पीक का यहां पे मोड नजर नहीं आया है। तो क्या गरीना फ्री फायर खाली हमें ओल्ड पीक के नाम पे ये एक छोटा सा मिनिएचर देने वाली है, ये मिनिएचर पीक देने वाली है? वैसे तो काफी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती है, पर इसके अंदर आपको नजर आएंगे काफी सारे गिफ्ट बॉक्सेस जिनको आपको फोड़ना पड़ेगा और कॉइन्स कमाने पड़ेंगे, और कुछ पर्टिकुलर 2 मिनट के टाइम के अंदर आप जितने ज्यादा कॉइन्स कमाओगे आपको फ्लाई करना पड़ेगा फिर हमारे ग्लाइडर के साथ मेन आइलैंड की तरफ, और वहां पर जाकर के आप इनको परचेज कर सकते हो। जो कॉइन्स अभी तक आपने कमाए उनके साथ आप लोग काफी सारे नेस्टोलोजिया वेपन्स को परचेज कर सकते हो, जैसे MP40 कॉर्ड या फिर अगर हम बात करेंगे ड्रैगन ऑफ, और साइड में आपको एक ऑनर वॉल नजर आएगी जहां पे आपको काफी सारे करेक्टर्स का एक छोटा सा वो नजर आएगा कि ब्रीफ नजर आएगा, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे आलोक द हीलर एंड अगर हम बात करेंगे क्रोनो, ये सारी चीज आपको नजर आने वाली है। जब तक आप इस नेस्टोलोजिया आइलैंड को एंजॉय कर रहे हो उसी के साथ ही साथ आपका जो नॉर्मल बैटल रॉयल गेम है वो भी चल रहा है, तो इट मींस अगर आपको कोई फ्रेंड हमारे नेस्टोलोजिया आइलैंड के ऊपर नहीं आया, इट मींस वो एनिमी से फाइट कर रहा है। इसीलिए इस नेस्टोलोजिया आइलैंड को मात्र 30 सेकंड का रख रखा है, 20 से 30 सेकंड के अंदर ये खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आपको ग्लाइडर की मदद से, जी हां ग्लाइडर की बात करी गई थी, ग्लाइडर की मदद से वापस से गेम के अंदर थ्रो कर दिया जाएगा। आप जिस पोर्टल से गए उस नेस्टोलोजिया आइलैंड के पास उसी के अगल बगल आपका जो पोर्टल है वो दोबारा से ओपन होगा, जिसके बाद आप गेम के अंदर आ जाओगे एंड आपका जो नेस्टोलोजिया वेपन आपको मिला है वहां से जो आपने परचेस करा है उसके साथ अपने गेम को कैरी ऑन कर सकते हो, जहां पे गेम के अंदर काफी सारी अदर चीजें भी गरीना फ्री फायर ऐड करेगी, जैसे अगर हम बात करेंगे 7th एनिवर्सरी म्यूजिक, और अगर हम बात करेंगे इसी के साथ साथ काफी सारे थीम बैनर अवतार आपको सब कुछ नजर आने वाला है। आने वाले टाइम पे मैं डिटेल में बात करूंगा लीक्स के बारे में, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पैच अपडेट के बारे में। तो 7th एनिवर्सरी की अगर आपको और भी अपडेट चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए 7th एनिवर्सरी की A to Z अपडेट, OB45 पैच अपडेट में आपको कुछ नए कोलैबोरेशन नजर आ सकते हैं, जहां पे डेटा माइनर से सुनने को मिला कि मेनली 2 कोलैबोरेशन आपको गेम के अंदर नजर आ सकते हैं। फर्स्ट कोलैबोरेशन होने वाला है फ्री फायर एक्स डीमन स्लेयर। अभी हाल ही में गरीना फ्री फायर ने डीमन स्लेयर के साथ वॉक करके कई सारे कॉस्ट्यूम्स लेकर आए थे, और अगेन एक नया कोलैबोरेशन होने वाला है, जहां पे इस चीज के चांसेस तो है कि अगर कोलैबोरेशन आता तो पुराने बंडल्स आपको नजर आएंगे। बीइंग एन एनिमे लवर भाई मुझे तो चाहिए भाई एनिमे के कोलैबोरेशन होते रहे, और साथ ही साथ अभी आपको मैंने अपडेट भी करा था कि एनिमे अडैप्टेशन होने वाली है फ्री फायर की, जिसको लेकर मैं बहुत हैप्पी हूं, और अगर मुझे कोई और न्यूज मिलती है कोई और अपडेट मिलता तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। और जो सेकंड कोलैबोरेशन की बात चल रही है थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्री फायर एक्स फ्लैश के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। डीसी यूनिवर्स का फ्लैश की बात हो रही है, जो जिसके ऊपर डीसी यूनिवर्स इस टाइम पे डिपेंड करता है, बट अगर हम बात करेंगे तो फ्लैश के साथ कोलैबोरेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या नया आएगा गेम के अंदर, लेट्स सी। क्लैश स्क्वाड कस्टम्स को लेकर के भी फ्री फायर ने OB45 में एक बहुत अच्छा अपडेट कर रखा है, जहां पे आपके क्लैश स्क्वाड कस्टम्स के अंदर आपको एक नया मोड नजर आएगा। अब आपको पता है कि गरीना फ्री फायर के अंदर हम लोग ऐसे कस्टम्स बहुत बार खेलते हैं जहां पर हम लोग 1v1 करते हैं बट ओनली शॉटगन का इस्तेमाल करते हैं, ओनली पर्टिकुलर वेपन का यूज करते हैं, या फिर ग्लू वॉल अनलिमिटेड रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, एंड अलग अलग मोड्स के अंदर अलग अलग सेटिंग्स के अंदर हम लोग ये कस्टम्स बनाते हैं। तो गरीना फ्री फायर एक CS एलीट नाम का नया मोड लेके आ रही है हमारे क्लैश स्क्वाड की सेटिंग के अंदर, जहां पे आपको प्री सेट ये सारी की सारी सेटिंग्स मिलेगी कि आपकी ग्लू वॉल्स अनलिमिटेड हो जाएंगी, एमोस अनलिमिटेड हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपका 1v1 करने में या फिर 4v4 6v6 करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इसके कुछ कंडीशंस है जो आप लोग खुद देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जो कस्टम बनाते हैं उनको पता होगा उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे कस्टम्स बनाने के लिए। तो गरीना फ्री फायर ने इसके लिए एक अलग ही मोड बना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गरीना फ्री फायर हमें एक प्री सेट बना के दे रही है कि आप इसमें जस्ट क्लिक करो, थोड़ी बहुत सेटिंग्स
चेंज करने करो और फटाफट अपने कस्टम्स खेलो। अभी गरीना फ्री फायर अनलिमिटेड कस्टम्स भी दे रही है और अगर ऐसे चेंजेस भी कर रही है तो दिल जीत रही है। आने वाली वीडियो में बात करूंगा कुछ ऐसे वेपन चेंजेस के बारे में जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑल पे डाल दीजिए। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो 5000 लाइक्स का एम है, ऐसी प्यार देते रहिए। जल्द मिलते हैं।